आगे बढ़े, मुरम्मत करें, जो कर सकते हैं करें। ये जो हो रहा है वहां पे, ये वहां पे जो कातिल भेड़िए हैं, जिस तरह फलस्तीनियों का कत्लेआम किए चले जा रहे, नजर नहीं आ रहा, सब अंधे हो गए। भारत ने इसराइल को 20 बमबार ड्रोन तैयारे दे दिए हैं। गजा वालों की जो नस्ल कुशी की जा रही है, इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉबी बनी हुई है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप कंट्रीज कुछ हो गए, दे एक्चुअली फुली सपोर्ट इसराइल। तो अगर तो इसके अलावा, अगर इंडिया तो एक एशियन कंट्री है, तो यहाँ से कुछ लोग गए हैं। इसराइल ने तो पहले आपको खुले लफ्जों में कह दिया हुआ है कि यू डेयर नॉट टच अस, बिकॉज इफ यू डू दैट यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन 3.5 मिनट। खुदा की लाठी बेवाज है, आप लिख लें मेरी बात, लिख लें कि जो बेगुनाह निहत्ते मासूम फलस्तीनी हैं, इनका कातिल दरिंदा, ये जो इसराइल में बैठा हुआ है, ये और उसकी रियासत इसराइल का जो अंजाम है, ये लिख लें कहीं पे मेरी बात, बहुत इबरतनाक होगा। अभी तो इसकी जो वहशत है, दरिंदगी है, बर्बरियत है, खून खुआरी को चैन नहीं आ रहा। कत्लेआम, ये कौन सा इस्लाम है? तुम किस चीज के मुसलमान हो? और तुम अगर मुसलमान हो तो आज हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं। तुम मुसलमान हमसे अलग, हम मोमिन अलग, क्योंकि कल दुनिया हमें बोलेगी। एक तरफ मुसलमान जंग लड़ रहे थे, एक तरफ शराब खाने के अड्डे खोल रहे थे, एक तरफ मुसलमान जंग लड़ रहे थे, एक तरफ यहां पर मंदिरों की तामीर की जा रही थी, एक तरफ मुसलमान जंग लड़ रहे थे, और एक तरफ जब मुसलमानों ने यमन से तमाम इसराइल का कष्ट रोका, तमाम असला रोका, तमाम जिहाज रोके, तमाम पेट्रोल रोका, उनके जिहाजों को गर्क कर दिया, तो उसी तरफ सऊदी अरब, यूएई और उर्दन और तुर्की, मुसलमान मुल्क उर्दन के रास्ते 1-3 महीने से इसराइल को असला भी पहुंचा रहे, खाना भी पहुंचा रहे, अद्वियात भी पहुंचा रहे। खबर ये आ रही है कि इसराइल की मदद फिलहाल इंडिया कर रहा है, भारत कर रहा है, दो तरह से कर रहा है। इंडियंस इसराइल को अपना भाई समझते हैं, क्योंकि उसके पीछे कई ऐसे रीजन है जिसका आपको पता है। सीपेक को अगर खतरा है, बाहर की साजिश से नहीं है, अपनी अंदरूनी नलायकी से है कि हम सिस्टम बना नहीं सके सिक्योरिटी के हवाले से। और इंडिया के देख लेते हैं, 4 जून को इलेक्शन है उनका, खत्म होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, क्या एटीट्यूड है। नेतन्याहू इसराइली वजीर आजम कहता है कि मैंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को कह दिया है कि दुनिया में जहां जहां हमास के लोग हैं उन पर जाकर हमला करें और उन्हें कत्ल कर दें। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी और जंगी साजो सामान, जंगी तरबियत बहुत ज्यादा है, और इसराइल जो है ना, वो एक ग्रेटर इसराइल बनाने के ख्वाब में है और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। नहीं, अगर कश्मीर हमारी शाहरग है तो PLO और फलस्तीन भी हमारी शाहरग है। फलस्तीन के बगैर मुस्लिम दुनिया कंप्लीट नहीं है, ठीक, और चाहे कुछ कर ले, वॉर ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड ये होता रहता है। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की नए वीडियो में। दोस्तों जैसे हम जब से जो है वो इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, तब से ये लगातार न्यूज आ रही है कि जो भारत है वो इसराइल का समर्थन कर रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसराइल और भारत के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, लेकिन फिर भी भारत एक तरफ तो इसराइल के साथ देता है, दूसरी तरफ UN जाके ये भी कहता है कि जो जंगबंदी है उसको रोकना चाहिए और टेबल पर बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं भारत को इसमें घसीटना चाहता है, और इसीलिए ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो इसराइल को जो है वो घातक हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से इसराइल जो है वो गाजा में लोगों को मार रहा है। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि भारत ने कई जगह पर इसराइल का समर्थन तो किया है, लेकिन अगर हथियार वाली बात की जाए तो हथियार जो है वो ऐसी कोई खबर नहीं कि भारत ने दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा करना रहता है और अपने लोगों में भारत के प्रति नफरत फैलाना होता है, और इसीलिए इस प्रकार की बातें पाकिस्तानी मीडिया और खास करके फिजा खान करती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि फिजा खान जो है वो रोती हुई नजर आ रही है कि हमारे वहां पे क्या हो रहा है और भारत जो है वो इजराइल के साथ दे रहा है। चलिए वीडियो चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की चर्चियों पर क्या रिएक्शन है। अगर मैं इन मुसलमानों से पूछता हूं, अगर तुम्हें इतना यकीन है शहीद होना, तो तुम घरों में ख्वाबे खरगोश के अंदर क्यों बैठे हो? अल्लाह के घर की हिफाजत, तुमने शहीद होने के बाद जो पहुंचना है तो भाई थोड़ा पहले पहुंच के जाके बचा लो। हम कहते हैं तुम सिर्फ उंगली लगा के दिखाओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना तुम्हारे, तुम तलमोत के मानने वालों, तुम सिर्फ उंगली लगा के दिखाओ, खुदा वाहिद शाहिद है, उस दिन ये सोच खत्म हो जाएगी कि 15 लाख मुसलमान बहने मारी जाएंगी, या 7,000 फलस्तीनियों को अंदर जेलों में कत्ल कर दिया जाएगा। कता नजर इसके उसी दिन आप देखेंगी कि इस पूरे इसराइल को जो मकबूजा फलस्तीन है, इन्हीं को मार के, इनके खून से पाक करके, गुसल दे के, सरजमीन को पाक करके यहाँ से इसराइल का नक्शा खत्म कर देंगे। एंड वी आर रेडी टू इट। अब वो वक्त आ गया है, अब ये इधर अगर और मगर ये हुआ खत्म। इसलिए इंटरप्ट करना चाहती थी कि देखिए, जो जितनी सीरीज मैंने इस प्रोग्राम में आपको बुलाकर की है उस पे हम आप यहीं तक मुझे लेकर आए कि बस वक्त आया ही चाहता है। देखें,
जब तक अक्वामे मुत्तहिदा इनके पीछे नहीं खड़ी होती ना इन्हें धाम के और यूरोपीय यूनियन, अच्छा। ये चीज़ मुमकिन हो नहीं सकती, ठीक है। और इसमें सिंबॉलिक ये था इनके नज़दीक की, हाँ। गाय की कुर्बानी, हमने अगर लड़ना है तो अल्लाह के घर पे लड़ना है ना, किसी ईरानी जनरल के ऊपर, हाँ, नहीं होती तो कासिम सलमानी के वक्त में हो चुकी होती। जो लेकिन एक बात इसमें अच्छी आपने अभी देखी, खुद ही बात निकाल दी ना, लोगों का जो सवाल है ना वो क्या है कि ईरान, आप कह रहे थे ना खुल के तो हम ही आए ना, और कौन आया? अभी आपने यही कहा ना ईरान का, तो सुन तो लेना, वो कह रहे हैं आप अपने अगर 35 साल में मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे दुनिया को। मेरी 3 मासूम बेटियां हैं, अल्लाह की घर की हिफाजत के लिए अगर उनकी कुर्बानी चाहिए, हाजिर है, हम तो हाजिर हैं, यही तो रास्ता है। हम तो कहते हैं सफेद कफन में अल्लाह ताला इस कब्र में ना लेके जाए जब तक उस पर सुर्ख धब्बे मौजूद ना हो, जब तक उसमें से लहू की खुशबू ना आए। शहादत के साथ कब्र में जाना अजीम है ना, हमें इसकी वो है। हाँ अच्छा, आप सुने, हमने अभी ईरान पे एम्बेसी पे इन्होंने हमला किया, जनरल जाहिदी शहीद हुए, जी जी। ये इस वक्त कासिम सलमानी के बाद हमास की चेन एंड कमान तोड़ डाली, हम पर 2 बार बड़े हमले किए, एक कासिम सलमानी की बरसी के वक्त जो ईरान में धमाका हुआ, उसमें हमास हिजबुल्लाह अंसारुल्लाह के तमाम कमांडर शिरकत करने आए थे, वो 80 कमांडर वहां शहीद हुए, ये कमर टूटी, दूसरी कमर ये टूटी। अच्छा बात सुने, अब ईरान पे डायरेक्ट हमला है, ईरान ने अब जैसी कब्र में उतारेंगे उसके बाद हम पर ये वाजिब और फर्ज हो गया कि अब हम इनसे जवाब दें, तो अभी कब्र में तो जाने देना, कासिम सलमानी को भी कब्र में उतारने के बाद जवाब दिया गया था। नंबर 2, अभी हमने ईरान ने सोचा है कि हम जवाब देंगे तो 48 सिफारत खाने छोड़ के भाग गए, 2 दिन से 80 लाख यहूदी बंकरों में पड़े हुए, तो मारें किसको? अबे लड़ो ना, आओ मैदान में, आओ ना, फिर ताकत दिखाओ ना, तुम बड़े बड़े ताकतवर सूरमा नरेंद्र मोदी, इंडिया के 450 फौजी ठोक डाले हमने वहां पर, अब तक इसराइल के 50,000 फौजी हलाक हुए। अगर ये होता है, सुने मेरी बात सुने, 50,000 से ज्यादा फौजी हलाक हुए इसराइल के अब तक, फौजी बिल्कुल ठीक है, 35,000 माजूर हुए, 86,000 जख्मी हैं इस वक्त जो उनके वहां पे अस्पतालों में पड़े, तो जंग तो है ना, आप जो स्टैट्स देते हैं वो रिपोर्टिंग स्टैट्स में काफी देर नहीं 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 आ जाता है, लेकिन सुने, मैंने आपसे कहा था रेफर कंटेनर्स के अंदर भर के इनको रखा हुआ है, अब जहाजों पे लाद लाद के मेडिटेरियन सी के अंदर फेंक रहे हैं, और अखबार क्या कह रहे हैं, हजारों फौजी गुमशुदा हो गए। भाई कहां गुमशुदा हो गए, चारों तरफ तो तुम हो, मुहासरे में तो तुम हो, गुमशुदा नहीं हुए, जहन्नुम हो गए। अच्छा इस पॉइंट पर रुकना फैसल, आप ये बताएं मुझे कि अगर अगला हफ्ता जो है, क्योंकि ये इसमें ही कहा जाता है कि रमजान से पहले पहले ईरान जो है स्ट्राइक करना चाहता है इसराइल के ऊपर, अगर ये होती है तो इसका क्या रिजल्ट आप देख रहे होगा, क्या होगी भी, ये भी मेरा सवाल है। 110% है, यानी ईरान इसराइल पर अटैक करेगा डायरेक्ट, ओके डायरेक्ट, ये इसका मकसद है कि मैंने कहा था कोई ताकत नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस दिन मुल्क से मुल्क की फौज लड़ने पर आ गई वहीं से आलमी जंग का आगाज होगा, तो ये मुकद्दस जंग का आगाज है ना, आखिर जमा की जंग का आगाज है, यहीं से है, और ये रिटेलिएट के बाद अगर इन्होंने रिटेलिएट किया तो बस उसके बाद, अगर इन्होंने हाथ भी लगा लिया ना मस्जिद अक्सा को, दुनिया तबाह हो जाए, गरक हो जाए, पत्थरों के दौर में चली जाए, फिर इस पूरी दुनिया के अंदर आपको जिंदगी का आसार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात से रो रही है कि भारत क्यों इजराइल का समर्थन कर रहा है। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है वो आज से नहीं, बहुत पहले से आरोप लगाता है कि भारत इजराइल और अमेरिका तीनों मिलकर जो है वो मुस्लिम देशों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल गाजा भी इसलिए अटैक करता है क्योंकि हर समय से जो है वो गाजा के जो गाजा में जो आतंकवादी संगठन है वो इसराइल के लोगों को मारता है, और आपको पता होगा कि ये युद्ध भी कैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों को ये पूरा फैक्ट जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक के सामने नहीं रखना होता है, और इसलिए इस प्रकार की बातें उलझ जुलूल बातें करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि भारत जो है वो इसका समर्थन कर रहा है या फिर भारत जो है हथियार दे रहा है, लेकिन अगर इसका पुख्ता सबूत देखा जाए, अगर पाकिस्तान में सुना जाए तो उनके पास कोई सबूत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, भारत कभी भी इसराइल को इस टाइम पे बिल्कुल भी हथियार नहीं दिया है, ये बात तो सही बात है, लेकिन हाँ भारत जो है इसराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, ये छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि भारत और इसराइल के जो संबंध है वो काफी ज्यादा जो है वो अच्छे हैं, और खुद नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपको पता होगा इसराइल घूमने गए थे, और इसराइल के पीएम भी दो पीएम जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो भारत और इसराइल की दोस्ती तो पूरी दुनिया देखती है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि जो भारत है वो इसराइल का समर्थन कर रहा है, और इसराइल का समर्थन बातों से नहीं बल्कि हथियारों से कर रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत आज तक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया नहीं दे पाई। तो दोस्तों बस आज के लिए आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं, मिले नहीं सीनियर हिंदुस्तान स्पेशल।